कि वाह हा 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 से पल्ला मार करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए वो मेरे सीने में नहीं तू तेरे सीने में हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए बिश्कू बिश्कू देखो आज हम कुछ चीजें चेंज कर रहे हैं मतलब इंटीग्रेशन में कह रहा था इंटीग्रेशन बहुत बचा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन जो है वो बकायदा कुछ भी छोड़ के और हम आगे निकल जाऊं और मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन फिनिश हो गया इंटीग्रेशन फिनिश हो गया इंटीग्रेशन फिनिश हो गया ऐसा नहीं मैं ही चाह रहा हूं कि उसको अपने अनुसार चलने दो आगे उसके साथ साथ एक दूसरा चैप्टर भी चलाया जाए जिससे कि तुम्हारा सिलेबस का जो टेंशन है वो भी थोड़ा सा कम है ना तो मैं आज से चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन में यार क्या बोलो बोलो डिफरेंशिएशन 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 मेरे कुछ दोस्त इसको बोलते डिफरेंटेशन तो क्या डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल ओके ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये चैप्टर चालू करने जा रहे हैं इसका तो बेसिक वो सब आता तुम्हें फॉर्मूले तुम्हें आते अच्छा सुनो ये डेरिवेटिव चालू कर रहा हूं इंटीग्रेशन में चल रहा है उसका वीडियो में डालता रहूंगा डेली इसका ये चलेगा है ना और एक चैप्टर और मैं लेता हूँ ज्योमेट्री वाला वो चैप्टर मैं लेने जा रहा हूँ क्या लूँ तुम बताओ क्या लूँ कुछ भी चैप्टर नाम बताओ तुम बताओ इसके टाइम ये उसके टाइम चल ठीक है ओके तुमने बोला और मैंने मान लिया व्हाट्स की अगला जो चैप्टर है इसके साथ साथ प्लेन लेता हूँ प्लेन और स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है ना और इंटीग्रेशन चल ही रहा है अपने अनुसार ठीक है ना बाय पार्ट्स के बाद पार्शियल फ्रैक्शन और बहुत टफ नहीं है इसको है ना डिफरेंशिएशन और एक चैप्टर बताओ प्लेन से ठीक है तो तुम लोग सब लोग मुझे मतलब आशीर्वाद क्या मतलब वो करो क्या बोलते उसको वो तो मैं ये सब काम कर सकता हूँ ओ शांति शांति और एक बात है ना मुझे लाइक चाहिए और ना सब्सक्राइब चाहिए आपकी इच्छा है आपको लगे कि चीजें चेंज हो रही है कुछ बदलना है तो करो आपकी इच्छा मतलब सब कुछ सुन पर डिपेंड है ना बट मुझे लगता है कि चीजें बदल रही है चीजें चेंज हो रही है और मैं उसका सूत्रधार हूँ तुच्छा आदमी हूँ टुच्चा दो कोड़ी का बट कुछ चीजें ऐसी होती है टुच्चे आदमी से चालू होती है ओके तो हेल्प करो तो अच्छा है और ना करो तो भी अच्छा है बट मैं अपना काम करता रहूंगा ओम शांति 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 तो आज से चालू करते हैं अपन डिफरेंशिएशन अभी देखो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सबको आते हैं भाई डिफरेंशिएशन के साइन इसका कोसेक कोसेक का माइनस साइन इसका सेक स्क्वायर ये सब फॉर्मूले आते हैं ये तुम्हें आते हैं अभी ये फॉर्मूले लिखो माइनस लिखो लिखो माइनस लिखो होते वो तुम्हें आते हैं नहीं आते तो लिस्ट के बैठो क्वेश्चन करते हैं साइन लिखते हैं वैसे और उसको देखते जाओ ओके देखो और ये जो डिफरेंशिएशन है ना मैं कुछ अच्छी चीज से चालू कर रहा हूं मतलब वो फालतू चीजें छोटी छोटी सबसे पहले मैं चालू कर रहा हूं देखो क्या बोलते हैं बोलो बोलो डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है ना कंपो इसका डेरिवेटिव क्या है तो तुम बोलोगे सर इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछ के अपना अपमान मत करो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स होगा माइनस नहीं होगा कॉस का होगा माइनस साइन एक्स ठीक है ना बट अगर तुमसे कोई पूछ ले कि तू बता भाई कि साइन अभी बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ कंपोजिट फंक्शन की मुझे पता तुम लोग आते बट 10 मिनट के बाद क्या होगा कॉट सॉरी साइन एट एक्स का होगा कॉस एट एक्स होगा बट एट एक्स का भी डेरिवेटिव होगा तो वो क्या आएगा एट आएगा मतलब एट एक्स का होगा तो एक्स का वन हो जाएगा ठीक है ना डेरिवेट जिसके रिस्पेक्ट में आप करते हो ना जैसे डी अपॉन डी एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन ठीक है ना ओके
एक फार्मूला सब लोगों को आता है, ये वाला फार्मूला तो ध्यान रखनी पड़ेगा आपको। एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। अच्छा ये जो फार्मूले है ना, ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करेंगे, बट इसमें लिमिट यूज होती है तो थोड़ा इनको ऊपर रोक लें, लिमिट पढ़ने के साथ साथ इनको प्रूफ करेंगे या उसके पहले भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं कराऊंगा कि जितने भी फॉर्मूले हैं साइन का कॉस बोलता आपसे कि साइन 8x को मैंने कैलकुलेट कर लिया, वाई लिख लिया, ठीक है, लेट कर लिया मैंने इसको, लेट कर लिया तो लेट गया, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूं कि ठीक है, इसको मतलब इसको cos u कर दिया, मतलब u को लेट कर दिया मैंने 8x, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं भाई, sin u हो गया, इक्वेशन यही है अपना, है ना। क्वेश्चन ये sin 8x का डिफरेंशिएशन आप विद रिस्पेक्ट टू x करिए, क्वेश्चन में लिखा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ sin 8x विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू साइन u, u मतलब 8x, ओके। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू u, तो क्या होगा d अपॉन डी यू, यू के रिस्पेक्ट में करूंगा भाई मैं, तो क्या होगा ये होगा cos u, ठीक है ना। cos क्या होगा u, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर इसके बाद ये कॉमा लगाया मैंने, अभी u का डेरिवेटिव करेंगे मतलब इस इधर का, तो डी यू अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये आ जाएगा 8 और x का होगा 1, ठीक है। अब देखो, अब एक फार्मूला होता है वो सब लोगों को पता है, वो ये प्रूव भी करेंगे फार्मूला बाद में, अभी नहीं, ठीक है ना। ये फार्मूले सब बाद में प्रूव करेंगे भाई, फार्मूले प्रूव करने को लोग थोड़ा कम आते हैं, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए जो काम की चीजें पहले कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम जनवरी फरवरी एक महीना बचा है, अभी फार्मूले प्रूफ करने लगे 3-4-5 दिन लग गए, उसके अंदर क्वेश्चन हो नहीं पाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन ज्यादा किए जाए, फार्मूले भी प्रूफ करने को आते हैं, जो प्रूफ करने को आते हैं वो करूंगा, बाकी ये प्रूफ वाला थ्योरी वाले पार्ट ज्यादा अपन बाद में लेंगे, पहले क्वेश्चन लेते हैं। कितना है 8 हो गया, इसका मतलब वापस वैल्यू रख देते, u कितना माना था मैंने, देखो 8x, देखो आ गया क्वेश्चन, इसलिए ऐसी चीज आती है। बट हम जो है ना, हम क्या करते हैं, हम इस चीज को डायरेक्ट करते हैं इसे, ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, ये चीज तो सब लोगों को समझ आई होगी। अच्छा एक्स रेज़ टू पावर एन वाला फॉर्मूला तो सब लोगों को आता होता है, बहुत ज्यादा यूज करने वाला, इसलिए मैं लिख रहा था उसको, फॉर्मूला सब लिखूंगा बट मैं एक साथ नहीं लिख रहा हूं, जैसे जो फॉर्मूला काम आता है उसे लिख रहा हूं, ओके। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, चलो अच्छा देखो। अच्छा अगर एक क्वेश्चन और करते हैं, मतलब प्रूफ वाला, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डेरिवेटिव निकालो, अगर आपसे कोई बोल दे तो कैसे निकालोगे, देखो वही एक काम करते हैं अपन, लेट कर लेते हैं इसको, वाई इक्वल टू साइन साइन, इसको लेट कर लेता हूँ यू, ठीक है। तो यू का मतलब क्या होगा, यू का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। वैसे अपन ऐसा नहीं करेंगे हर क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, बट मैं एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं कि एक्चुअली होता ये, बट हम करते क्या है, मतलब अगर जैसे मान लो ये आ गया, देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, मान लो ये आ गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डेरिवेटिव निकालो तो ये कितना आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन, वो फिर किसका होगा, हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन का, तो कितना हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन इन टू टू एक्स, और ए वन का जीरो हो गया, ओके। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये होगा dy अपॉन du, dy अपॉन du, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos u, ठीक है। अच्छा इसका होगा du अपॉन dx, du अपॉन dx का कितना होगा 2x, और 1 का 0 हो गया। अच्छा अब क्या करोगे, निकालोगे अपन dy अपॉन dx, तो dy अपॉन du इंटू डी यू, ये यू है ना,
डी यू अपॉन डी एक्स रख दो वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि डी वाई डी एक्स इसलिए निकालना है क्योंकि जब क्वेश्चन लिखा होगा तो ऊपर लिखा होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा होगा यहाँ पे, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखो ये एक्स के रिस्पेक्ट तो cos u into du upon dx कितना हो जाएगा 2x, इसका मतलब कितना हो गया cos u, u बोले तो x square plus 1, x square plus 1 और du upon dx बोले तो 2x, ये आंसर। बिल्कुल 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 ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं नहीं ओके बोलो नहीं इसका मतलब है कि इसका अगर ये जैसे y नहीं लिखा हो तो y लेट कर सकते हो आप, है तो y इक्वल टू क्या लेट किया मैंने e रेस टू पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखो dy अपॉन dx, तो एक बार लिख के बता रहा हूं मैं देखो ऐसे, अभी मैं कर नहीं रहा हूं ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं तरीके से एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम ये बोलते हैं ऐसे लिख के बताओ फिर नंबर देंगे हम आपको। बट ये जो पावर है ना ये x नहीं है, देखो x होता तो 1 हो जाता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, अपन लिखते नहीं है, बट यहाँ पे क्या है साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब साइन का भी होगा, तो मैं डायरेक्ट cos x लिख सकता था बट ठीक है एक दो स्टेप पे इनडायरेक्ट करते अपन, तो कितना आ गया cos x प्लस c नहीं लगाएंगे आप, ये तो इंटीग्रेशन में पूरे का होल क्यूब नहीं है सिर्फ ये एंगल है ठीक है ओके ओके तो देखो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा dy / dx ठीक है ना, तो cos x ये cos x है मतलब कुछ टाइम के लिए जो एंगल है उसको x लेट करो कुछ टाइम के लिए ठीक है ना, x है वो तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, cos x का डेरिवेटिव तो सब लोग जानते हैं कि cos x जो है वो होता है माइनस sin x ठीक है ना, बट यहाँ पे x होता तो होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा x लेट करा कुछ टाइम के लिए तो कितना होगा, मतलब जो बाहर लिखा हुआ ना आउटर फंक्शन उसका पहले डेरिवेटिव करते फिर उसके एंगल का इनर फंक्शन का करते हैं, तो कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन कितना हो गया एक्स क्यूब, अब एंगल क्या है भाई ये तो एक्स नहीं है ना, कुछ टाइम मतलब अपन ने एक्स क्यूब लेट किया था बट वो एक्स क्यूब नहीं, वो एक्स नहीं वो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का क्या होगा वापस डेरिवेटिव होगा, इसका मतलब माइनस माइनस कॉस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का वापस डेरिवेटिव करो स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अच्छा एक तो ये तरीका उसका फंक्शन ऑफ फंक्शन है मतलब एंगल में, इसका मतलब दो बार डेरिवेटिव हुआ देखो एक और दो देखो इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन अगर ये वर्ड ध्यान रहे तो थोड़ा ठीक रहेगा, इनर मतलब जो पावर के अंदर होता है और आउटर मतलब जो पावर होती है बाहर उसको पहले करते हैं, तो देखो एक्स क्यूब है ना पहले क्यूब का करें, जैसे मान लो एक्स क्यूब आ जाए देखो एक्स क्यूब आ जाए एक्स क्यूब आ जाए एक्स क्यूब आ जाए एक्स क्यूब है तो क्या आएगा थ्री और एक्स स्क्वायर और एक्स का वन हो गया ठीक है ना,
बट यहां पे कितना हो जाएगा देखो 3 और cos पावर का कर रहा हूं पावर का जिसे 3x स्क्वायर हो गया ना पावर का तो ये हमें पावर कितनी हो गई 2 हो गई अभी यहां पावर के अंदर तो x है तो 1 हो गया बट यहां x क्यूब के अंदर कौन है डेरिवेटिव क्या होगा तो एक बार लिख रहा हूं मैं फिर आगे से हम डायरेक्ट करेंगे cos x का माइनस sin x ऐसा होगा यहां तक किसी को डाउट है नहीं ठीक है ना भाई पहले पावर का होता है 3 cos स्क्वायर x जैसे 3x स्क्वायर था यहां इसका वर्ग हो गया तो फिर जो अंदर cos है उसका वर्ग कितना होगा माइनस sin x ठीक है जी ना यहां ठीक है तो ये हो गया मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 क्वेश्चन किए मैंने थोड़ा चेंज करते हैं अब परिवर्तन संसार करने में इसी क्वेश्चन को चेंज करके करना तो थोड़ी इसका नियम है देखो जैसे यहां पे लिखा y इक्वल टू जैसे लिखा हो देखो tan root x मैं बहुत बेसिक बहुत आराम से ले रहा हूं ये आराम से फिर अपन उधर बिस्कुट बिस्कुट करेंगे लेटर में देखो tan x है भाई तो तुमसे कोई पूछो कि बताओ बच्चों tan x का डेरिवेटिव क्या होता है तो सभी बच्चों को पता होगा ये राजू तुम बताओ हां सर sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है क्या होता है हां सर sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव हां सही बोला तो क्या होगा sec स्क्वायर कर दो यहां पे कुछ टाइम के लिए से 10x लेट करो 10x का जैसे डेरिवेटिव करो तो sec स्क्वायर रूट एक्स अब रूट एक्स का भी होगा बट अगर वो ओनली x होता जैसे तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया sec स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का डेरिवेटिव तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रूट एक्स क्या होता है 1 / रूट एक्स है ना ये रट लो ये भी फार्मूला है ये क्वेश्चन तो है इसमें कोई डाउट नहीं बट ये फार्मूला भी है 1/2 रूट एक्स ये फार्मूला अगर तुम समझ गए मतलब ये क्वेश्चन तो तुम समझ गए भाई 1/2 पावर है तो 1/2 सामने आएगी और पावर में हो जाएगा -1/2 नीचे आ जाएगी वो पावर तो 1/2 रूट 2 तो ये क्वेश्चन के साथ साथ ये फार्मूला है बहुत काम का है जैसे तुम बोलोगे अरे सर क्या राम 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 यूज़ करके दिखाओ इसको देखो बिस्कुट बिस्कुट कैसे जैसे आपके सामने मान लो ऐसा आ गया कि डेरिवेटिव निकालो रूट साइन एक्स का ठीक है रूट साइन एक्स का निकालो तो कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट 1/2 रूट के अंदर जैसे ये एक्स दिया गया इसका मतलब 2 रूट साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स प्लस ये लिखो इसमें बस हां तो ये चीज है अगर कोई आपसे बोल दे तो e टू पावर रूट एक्स है इसका डेरिवेटिव निकालो तो देखो ये रूट एक्स कितना काम करता है e टू पावर रूट एक्स का रूट एक्स आएगा और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा कितना आसान ठीक है तो ये फार्मूला ध्यान रखो ये काम का फार्मूला ठीक है चलो अच्छा कोई डाउट यहां तक नहीं है अच्छा जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखो क्या मेरा आया क्या मेरा अब देखते हैं इसमें मतलब क्वेश्चन आएगा x + b की होल पावर n आएगा ठीक है ना ओके तो जैसे मैं इसको लिखता हूं d/dx रेस टू पावर n तो कितना हो जाएगा n * x रेस टू पावर n -1 तो इसका डेरिवेटिव निकालना भाई ये बहनों तो इसे एक्स पावर एन लेकर कुछ टाइम के लिए मतलब आउटर फंक्शन का पहले डेरिवेटिव करें और तत्पश्चात देन आफ्टर यू कैन डू इट फॉर अप्लाई द फार्मूला एक्स पावर एन ठीक है चलो तो कितना आएगा एन ये हो गया एन और एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस वन बट अंदर कौन है एक्स प्लस बी उसका भी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा बताओ एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा ये होगा तेरे बच्चा पता है इसका मतलब यहाँ पे ये आ गया और अगर इंटीग्रेशन होता और अगर ये इंटीग्रेशन होता तो देखो अगर इंटीग्रेशन होता ऐसा तो क्या करते इंटीग्रेशन बोलता अगर मान लो तो ये क्या करते अपन इसको लिख देते ax प्लस b की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ओके नहीं सर तो फिर क्या होगा सर डिवाइड होगा हां ये डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई किया और यहां पे क्या करोगे डिवाइड करोगे इसे बिस्कुट बिस्कुट ठीक है ओके चलो अच्छा है ना ये जो लेक्चर होगा इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर होगा वो दोनों कंटिन्यू होंगे मतलब मैं ये चाह रहा हूं मतलब मेरे दिमाग में ये कि जो कंपोजिट फंक्शन है इसके कम से कम 100 क्वेश्चन किए गए 25 30 लो उसके बाद 30-40 उससे थोड़ा हाई और 10-15 क्वेश्चन बहुत है ना ठीक है देख क्या होता है होता तो होता नहीं तो कर लोगे तुम्हारा जो जैसे क्वेश्चन आ गया मान लो y = log sin x इसका इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करते हैं ठीक है कैसे करेंगे बताओ भाई तो इसके लिए आपको ये फार्मूला आता है मुझे पता है तुम लोग इतने समझदार हो जनवरी का महीना चल रहा है मतलब पहले ही महीने चल रहा है अभी
तो उसमें तुम्हें सब कुछ आता है क्योंकि फरवरी में एग्जाम है तो फार्मूले तुम्हें आते हैं। फार्मूले की लिस्ट तुम्हारे सामने होगी, वो सब देखो। लॉग एक्स का क्या होगा? 1/x होगा। इसका मतलब कुछ टाइम के लिए इसको एक्स मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा? dy/dx। log sin x का होगा 1/sin x, ठीक है ना। log x का खत्म हो गया भाई। आपने कुछ टाइम के लिए मतलब वही पहले आउटर फंक्शन का होगा, फिर आउटर मतलब उसके बाहर वाले का, फिर जो एंगल है उसका होगा, ऐसे समझ लो। तो अच्छा है, नहीं समझो तो फिर भी अच्छा है, ठीक है ना। log sin x 1/sin x, sin x यहां पे x का भी होता है, वो होता है इसलिए लिखते नहीं, तो इसका मतलब होगा sin x का होगा, तो sin x जो है उसका भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना हो गया 1/sin x को तो वैसा का वैसा ही छोड़ो, और किसका हो गया cos x, इसका मतलब ये कितना हो गया cot x। ओके, तो किसका डेरिवेटिव क्या था आपका? log sin x का, ये आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में फार्मूला भी। अब तुम पूछोगे सर बता बताओ फार्मूला कौन सा है, देखो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉर्टेक्स बताओ, सीओटी कॉर्टेक्स, तो तुम क्या करोगे बताओ? कॉर्टेक्स को तो जानते होगे तुम, ई, तो कॉर्टेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग साइन एक्स। लो भैया, तो ये क्वेश्चन ये फिर इसका दोनों साइड क्या कर देते, इंटीग्रेशन कर देते। देखो ये ऐसे यहाँ dx लग गया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे से क्या होते हैं, कैंसल हो जाते हैं, कैंसल। इसका मतलब आ गया, ये देख लो। इंटीग्रेशन अपने आप स्वतः मतलब अपने आप आगे बढ़ता है, सोचने और सब बनने की शक्ति आती है इसको करने के बाद, जब इंटीग्रेशन करने तो और नहीं तो देखो यहां तक पहुंच गए हम लोग। मतलब मतलब अच्छा ये आया, वापस आया, देखो log log sin। हां वही क्वेश्चन है बट कुछ अंतर है इसके अंदर। वो क्या अंतर है? देखो वो अंतर ये होगा कि जैसे डेरिवेटिव क्या डेरिवेटिव है, डिवाइड बाय dx 1/sin x 1/sin x मतलब 1 log x 1/sin x मतलब 2, ठीक है ना। और sin x का क्या डाल करो है cos x 2, ठीक है। ओके डन, हो गया। तुम बोलो मजाक करो, क्या मजाक करो भाई, sin x का 1/sin log sin x 1/sin x 2 और sin x का cos 2, उसमें क्या मजाक है? मुझे पता है हां, x 2 का डेरिवेटिव, अच्छा x 2 का भी डेरिवेटिव होगा। अरे नंदू तू तो पहले बात कर, इसका मतलब हो गया कि 1/2 आएगा, x 2 का भी करोगे ना भाई? x का मतलब x/2 का क्या होता है? 1/2 कैसे देखो, d upon dx, अगर x/2 आ गया तो इसका मतलब d upon dx, x का तो हो गया 1/2, भले 1/2 इंटीग्रेशन करते इनटू 1, इसका मतलब 1/2, 1/2, ठीक है। ऐसे होता है, हां मतलब ठीक है, 1/2 हो गया। बट ये डेरिवेटिव फिनिश हो गया, काम खत्म। अब हम ट्रिग्नोमेट्री चलेंगे, दुग 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 ट्रिग्नोमेट्री क्या है भाई, आगे बढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को। तो देखो 1/2 बिस्कुट बिस्कुट 1/2 sin x sin x, ठीक है। ओके, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बताया था मैं कौन सा कौन सा इसका कौन सा बैठो कौन सा बैठो कौन सा बैठो बड़ा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। साइन और रूट के अंदर आ जाए, साइन है और एंगल में आ जाए, रूट के अंदर, रूट के अंदर हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ जाए, ठीक है। इसको कैसे करोगे? देखो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। साइन का कॉस होता है, सबको पता है, अब थोड़ा डाइट करता हूं मैं। तुम लोग होशियार हो गए, होशियार। साइन का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स, तो एक्स का मतलब तो जो लिखा हुआ है वो लिखा है, तो ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। अब ये जो बचा हुआ इसका भी होगा ना, तो लिखता हूँ एक बार में, इसका मतलब रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। अब देखो तो कितना जाएगा, कॉस रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो आ गया रूट एक्स भाई, अभी मैंने बताया था ना 1/2√x। अगर किसका डेरिवेटिव करोगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2√x, तो इसका मतलब ये रूट एक्स है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2√x मतलब 2 sin x,
plus cos x, ओके into अब ये जो अंदर लिखा हुआ है cos x plus इसका भी डेरिवेटिव होगा इसका मतलब ये होगा cos x minus x के अंदर जाओ तो cos x minus x तो यहां तक किसी को कोई डाउट है नहीं है ऐसे में कोई डाउट हो तो बोलो ये है ना अब देखो ये 10 क्वेश्चन से ऊपर वाला लगता है 10 12 क्वेश्चन है ना देखो अब मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा आया कैसा e रेस टू पावर आया चलो लोगों को लेते हैं मान लो ऐसा आया कि e रेस टू पावर cos इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर ये आ गया इसका डेरिवेटिव यार cos इनवर्स अंडर रूट के अंदर क्या है e रेस टू पावर cos इनवर्स प्लस e रेस टू पावर cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ये पावर में इसकी तो भाई हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स क्या होता है cos इनवर्स होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर पे माइनस आता है यहाँ पे ठीक है ना तो अब क्या करें अब देखो अब आप क्या करोगे देखो तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो dy अपॉन dx ठीक है ना e रेस टू पावर x का e रेस टू पावर x मतलब क्वेश्चन वापस रिपीट होगा 1 माइनस x स्क्वायर फिर cos इनवर्स x का होगा तो 1 अपॉन अंडर रूट है ना माइनस में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर x ये है इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर भाई रूट हट गया क्योंकि स्क्वायर आता ना ये देखो ये स्क्वायर आता है ये देखो रूट के अंदर कौन लिखा हुआ है बताओ 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 ये लिखा हुआ है तो इसका क्या होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके अंदर कौन लिखा हुआ है बताओ 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 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका कितना आ गया 2x माइनस का भीखू भीखू बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को मुझे लगता नहीं किसी को डाउट है डाइट कर दिया मैंने देखो एक e रेस टू पावर x था एक इसका एक तरीका है देखो जैसे आपको कैसे पता लगे कि क्वेश्चन सही है तो देखो आप काउंट करो फंक्शन को e रेस टू पावर एक फंक्शन है cos इनवर्स दूसरा है तीसरा ये अंडर रूट में है और चौथा अंडर रूट के अंदर है तो देखो एक दो ये पूरा तीन और एक अरे एक दो तीन ये चार और चार ही है देखो e रेस टू पावर एक cos इनवर्स दो उसके बाद रूट तीन और अंदर वाला चार ओके ऐसे भी पता कर सकते हो अब देखो इसको अरेंज करो थोड़ा अरेंज मतलब सिंप्लीफाई करना भी जरूरी है भाई डेरिवेटिव तो ठीक है आपको आता है बट सिंप्लीफाई में ही करोगे तभी आंसर के नंबर मिलेंगे क्वेश्चन के तो देखो ये माइनस प्लस हो गया और ये टू से ये टू कट गया अच्छा इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और ये कट गया इसका मतलब वन अपॉन एक्स बचा क्योंकि ये स्क्वायर है और रूट लगा हुआ एक्स बचा और यहाँ पर भी एक्स लिखा हुआ है तो ये एक्स होगा और वन अपॉन कितना लिखा हुआ है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये तो हटेगा नहीं कट दो इसका मतलब कितना बचा है ई रेस टू पावर कॉस इनवर्स अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी ये हमारा आंसर आहे मला आंसर आहे भीकू भीकू ओके तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो नहीं है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना चलो ठीक है आ गया एक पूरा दो रूट तीन और चार तो देखो एक दो तीन चार ठीक है तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आधे घंटे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग ठीक है तो अब मैं आपको क्वेश्चन का खत्म कर देता हूं क्वेश्चन को फिनिश कर देता हूं एक और देख लेते हैं देखो y इक्वल टू मान लो ऐसा लिखाओ साइन m और साइन इनवर्स x ठीक है ना इनवर्स वाले फॉर्मूले तुम लोगों को सबको आते हैं क्या होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है तो लगा दो तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स साइन का कितना हो जाएगा कॉस और एम इंटू साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा अब एम इंटू साइन इनवर्स एक्स का होगा तो एम अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन ओके ये क्वेश्चन फिनिश हो गया इसमें कोई दम थी नहीं दम और खम भी नहीं थी इसके अंदर अच्छा अगर मान लो एक और देख लेते जल्दी से बुड़ 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 ठीक है मान लो ऐसा आ जाए ऐसा 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 देखो y इक्वल टू e रेस टू पावर x इंटू साइन एक्स आ जाए मान लो लो भैया x इंटू साइन एक्स आ जाए अब क्या करोगे एक्स स्क्वायर भी आ सकता है तो अब इसके अंदर एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी u इंटू वी u
v डेरिवेटिव प्लस v u का डेरिवेटिव है ना, मल्टीप्लिकेशन का ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लगाओ इसको फॉर्मूला, लगाओ जल्दी लगाओ। कैसे लगाओगे? ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स ही आएगा, मतलब ये ऐसा ही आएगा। अब इसके अंदर क्या लगाओगे, चलो लिख देता हूँ एक बार में, डी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई लगाओगे भाई डायरेक्ट, ठीक है ना। मैंने एक बार लिखा है इसको, अब देखो ई रेस टू पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे बताओ, लगाओ मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई लगाओगे तो एक्स को छोड़ के साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ये देखो वी का डेरिवेटिव सेकंड वाला, मतलब ये यू है वी है, इसका मतलब क्या हो गया कॉस एक्स प्लस, ये देखो प्लस वी, वी मतलब साइन एक्स आएगा, ठीक है ना। ये साइन एक्स, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख दो ताकि पता चले कि हमने किसी का डेरिवेटिव किया है, और फिर क्या आएगा वन एक्स का वन। जे हमार आंसर आए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई, मतलब हम लोगों को फंक्शन ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव का, और क्या बोलेंगे इसको, कंपोजिट फंक्शन थोड़ा आने लगा है, थोड़ा बहुत आने लगा है। ये लेक्चर वन है। अच्छा इसमें कम से कम 15 क्वेश्चन के आसपास, या हाँ 15 के आसपास हो गए होंगे। अभी मैं अगले लेक्चर में कम से कम 20 करूँगा, दो और फिर एक और तीन, मतलब 5 लेक्चर लेंगे अपन इसका, और 100 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले उस पर जाएंगे अपन, बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन चलता रहेगा, इंटीग्रेशन चल ही रहा है, और एक चैप्टर और लेता हूँ मैं। बच्चा बोल रहा है क्या 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 क्या, क्या बोल लेता हूँ सर, है ना, प्लेन और स्ट्रेट लाइन। अच्छा प्लेन स्ट्रेट लाइन लेता हूँ। ओम शांति शांति। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे भिश सीने में नहीं, भिश तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन चलनी चाहिए।